तो हेलो मेरे भाई, क्या हालचाल, कैसे हो? सारे आ चुका हूँ एक और गेम प्ले लेकर तो भाई वापस। आज के जो दिन था वो कसम से मेरे लिए सबसे बुरा दिन था, क्योंकि भाई आज के दिन में मैंने 100 माइनस खाया। 100 प्लस नहीं, 100 माइनस खाया। मतलब भाई क्या ही भाई, मतलब मैं शुरू किया था और दिन के स्टार्टिंग में ही, मतलब सुबह में ही मैंने 6 माइनस खाया था। उसके बाद उतना बड़ा माइनस नहीं लगा, उसके बाद सीधा 23, फिर 12, फिर ऐसा माइनस खाता गया। अभी देख लो आप मेरा माइनस 40 माइनस, ऐसे ऐसे माइनस खाते पूरा दिन मेरा खराब गया। तो भाई क्या कर सकता हूँ, मतलब ये ऐसा हो गया आज के दिन। मतलब क्या ही गुजरा मेरे लिए आज के दिन, कैसा ही, मतलब ऐसा इतना ज़्यादा माइनस मैं नहीं खाता आज के दिन जितना खा लिया। तो भाई क्या कर सकता हूँ, फिलहाल माइनस खा लिया। तो भाई माइनस को इग्नोर करके इस गेम प्ले की तरफ ध्यान दे। तो भाई ये जो गेम प्ले है, मैं आया था स्टेल बार में, क्योंकि ये जो प्लेन पाथ था एकदम स्टेल बार में एंड हुआ था। तो मुझे लगा कि कोई अगर ऑफलाइन बंदा मिल जाए तो भाई मैं उनको मारूंगा, लेकिन भाई कसम से एक भी बंदा ऑफलाइन नहीं था, सारे के सारे बंदे एक्टिव थे। तो मेरा इधर आना फालतू हो गया, और भाई थोड़ा बहुत लूट का भी दिक्कत हुआ, लेकिन वो एक बंदे को मार के पूरा लूट मैं कर लेता हूँ। फिलहाल ये जो गेम प्ले है ना भाई, कतई बहुत ही जहर गेम प्ले है, क्योंकि भाई इस गेम प्ले में मैंने बहुत ज़्यादा किल किया था। उसी के साथ भाई हमारे जो एनोनिमस एपीपी है उनके साथ भी मैच मेकिंग हुआ था मेरा, मतलब इसी मैच में एनोनिमस एपीपी भी आया था, तो भाई उनके साथ भी फाइट होता है। तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि एंड तक वीडियो देखोगे तो भाई ये जो वीडियो है आपको देख के ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इधर एक सामने बॉट आया था, तो मुझे लगा वो बंदा है, तो मैं धीरे धीरे उसके सामने जाता हूं। तो मैं धीरे धीरे जाता हूं, तो मुझे एंड में पता चलता है कि वो एक बॉट है। उससे पहले भाई कल जो मुझे पॉपुलैरिटी दिया था उनके नाम मैं देख लेता हूं। तो भाई एपेक्स रितेश और पैराबॉय ओपी को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बहुत सारा पॉपुलैरिटी दिया। और भाई आप लोग भी अगर मेरा प्रोफाइल चेक करने चाहते हो तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का आईडी है, तो जाके जरूर चेक करना। फिलहाल अगर इस गेम प्ले की तरफ ध्यान देते हैं, तो भाई इधर एक बॉट आया था जिनको मैं लगा था कि, मुझे लगा था कि वो बंदा है, तो मैं बहुत स्लोली स्लोली जा रहा था क्योंकि उसको फुट स्टेप ना आ जाए। तो मैं इधर जब भी आता हूँ, तो भाई आया था बंदा समझ के, लेकिन निकला बॉट। लेकिन इधर एक बंदा आया था जो मैं उतरते ही उस बंदे को देखा था, उस बंदे को पैराशूट देखा था। तो वो बंदा तो इधर स्पॉट नहीं होता, लेकिन मुझे एक डर सा था तो इसलिए मैं इधर से निकल लेता हूँ। लेकिन भाई अभी देख सकते हो मेरा लूट का हालात, एक EMP और एक शॉटगन लेके इधर से निकल लेता हूँ। लेकिन फिलहाल आगे जाके मेरे को बहुत बढ़िया लूट मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस गेम में बहुत ज़्यादा बंदों को पेला था, तो उनका लूट लेके एकदम मस्त ड्रॉप वॉप की गन मिल जाएगा, तो उनसे ही बंदों को बजाऊंगा। तो एंड तक देखो भाई, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है ये वीडियो। तो भाई स्टेल बार में तो उतना बढ़िया लूट नहीं मिला, तो मैं क्या किया, स्टेल बार से नीचे आ गया। और स्टेल बार के नीचे आने के बाद एक AKM उजी मिलता है, और इसको लेके मैं सीधा रोजोक घुस जाता हूँ। और रोजोक में घुसते ही भाई एक बंदा मुझे स्पॉट होता है, और भाई उस बंदे को मैं क्या ही मारता हूँ देखना। तो भाई इधर मैं जैसे ही रोजोक की तरफ घुसता हूँ, वैसे ही एक बंदा M16 लेके एक बंदे को पेल देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर रुक के उस बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, और स्पॉट नहीं होता है तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। और आगे की तरफ जैसे ही जाता हूँ वो बंदा डर से निकलता है। तो अभी देखो वो सीन, तो भाई इस बंदे को जो है उजी से बहुत आराम से लपेट लेता हूँ, क्योंकि भाई उजी जो है क्लोज रेंज का बीस्ट है, और मेरे पास AKM भी है, मतलब दोनों ही क्लोज रेंज के ही गन लेके मैं घूम रहा था। तो भाई इधर इसके डिब्बे से मैं लूट ले लेता हूँ, कि और भाई कसम से क्या ही मस्त लूट था। इसके पास KAR-L6X और AKM भी था, मतलब मेरा पूरा लूट इधर कंप्लीट हो जाता है। और भाई इधर इसको मारने के बाद मैं पूरा मिडिल की तरफ चला जाता हूँ, और भाई मिडिल में जाने के बाद क्या ही कैंपर मिला था, आप देख के चौंक जाओगे, मतलब इतना जहर वाला कैंपर था उधर। मतलब भाई क्या ही कसम से उसको मारते हुए ना मेरा हार्ट भी तेज हो गया था। तो भाई वो भी देखना क्या ही मस्त मारा था उसको। तो भाई अभी मैं आ जाता हूँ पूरे जोन के मिडिल में, और भाई मैं इधर में आने के बाद आप देखो मैं इधर क्या क्या करता हूँ। मतलब मैं इधर आने के बाद मेरा एमओ ठीक करता हूँ, मेरा बूस्ट वूस्ट करता हूँ, फिर हिल विल लगाता हूँ, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। तब तक ये जो ऊपर एक बंदा होता है भाई कसम से, वो बंदा तब तक एक फुस्ट तक नहीं दिया, एक सिंगल मूवमेंट तक नहीं किया। वो बंदा ऐसे लेटा पड़ा था ना, आप देख के चौंक जाओगे। फिलहाल मैं इधर बूस्ट करके ऊपर की तरफ जाता हूँ, और भाई देखो क्या होता है ऊपर जाते ही। मतलब
मतलब भाई क्या ही कैंपर था, क्या ही कैंपर था। मतलब भाई आप सोच भी नहीं सकते, एक सिंगल फुटस्टेप तक नहीं दिया बंदा, ऐसा लेटा पड़ा था। मतलब भाई किसी तरह इसको मारा, मतलब इसको किसी तरह मैं स्पॉट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो जिधर लेटा हुआ था ना, जिधर पड़ा हुआ था, उधर से बाहर का व्यू ज़्यादा नहीं मिलता, इस वजह से ये बंदा बाहर ज़्यादा नहीं देख पा रहा था। अगर मैं डायरेक्ट इस घर में घुस जाता तो भाई मेरा खेल ख़त्म था इधर। फिलहाल इसको जैसे तैसे मार देता हूँ, और भाई इधर से मारने के बाद इसके पास से डीपी ले लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास कारेल था, कारेल से लॉन्ग रेंज ज़्यादा स्प्रे अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं डीपी उठा लेता हूँ। और डीपी उठाने के बाद भाई एक गोजा वाला होता है जो राइट में बहुत देर से तंग करता है, और वो धीरे धीरे क्लोज इन कर लेता है। और भाई लेट में एक बंदा होता है अभी, तो भाई उसके पास गोजा वोजा होता है, और भाई वो गोजा वोजा लेके सीधा मेरे ऊपर पुश कर देता है डायरेक्ट ही, और भाई उनके साथ मेरा फाइट भी हो जाता है। और भाई अभी इधर एक बंदे को स्पॉट करता हूँ, जो इधर जिस बंदे को मैं स्पॉट करता हूँ वो एनोनियस एपीपी होता है, जो मुझे बाद में पता चलता है, तो भाई वो सीन देख लेना। और भाई अभी इनको स्पॉट करते करते भाई वो गोजा वाला क्या होता है कि पूरा मेरे ऊपर घुस जाता है, और भाई जैसे ही घुसता है उसके साथ फाइट देखो कैसा ही, मतलब उसके साथ फाइट करता हूँ तो भाई इधर एनोनियस एपीपी क्या होता है कि थर्ड पार्टी कर देता है थोड़ा बहुत, और भाई मेरा थोड़ा बहुत क्या होता है कि हेल्प हो जाता है। तो भाई देखो अभी फाइट, और भाई कसम से इधर मैं 1 HP बच जाता हूँ, बंदे ने क्या ही डैमेज दिया था। लेकिन भाई पीछे से भी थर्ड पार्टी कर रहा था, जो कि एनोनियस एपीपी, भाई मैं लॉबी में जाने के बाद पता चलता है मुझे कि वो उधर से थर्ड पार्टी कर रहा था, इसलिए मैं इधर बच जाता हूँ। लेकिन भाई उसने दोनों के ऊपर ही फायर किया, लेकिन ये बंदा बाहर की साइड था तो ये बंदा मर जाता है और मैं बच जाता हूँ। लेकिन भाई 1 HP बच जाता हूँ। और भाई तो भाई इधर हिल विल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बूस्ट वूस्ट उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद जो है पीछे के बंदे का देखने का ट्राई करता हूँ, जो कि एनोनियस एपीपी होता है उनको देखने का ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई वो मुझसे स्पॉट नहीं होता, और वो मुझे स्पॉट करके रखता है, पता नहीं किस एंगल बना के कहाँ से मार रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से जो है AW मिलता है, AW और गोजा मिलता है, तो भाई क्या करता है कि मैं इधर से AW और गोजा उठाता हूँ, और जैसे ही AW मिलता है भाई वैसे ही वो इधर से निकल लेता है, मतलब जो एनोनियस एपीपी होता है वो इधर से निकल लेता है, नहीं तो भाई AW वर्सेस लॉन्ग रेंज स्प्रे में थोड़ा दिक्कत हो जाता। लेकिन भाई वो निकल लेता है तो भाई उनके साथ फाइट इधर मिस हो जाता है, तो कोई नहीं। तो भाई मैं क्या करता हूँ, इधर मेरे ऊपर जोन नहीं होता है तो मैं इधर से डार से उठाता हूँ और सीधा जोन की तरफ जाता हूँ, और भाई जैसे जोन में जाता हूँ क्या ही फाइट होता है मेरे साथ देखना। तो भाई इधर मैं मिडिल लेने के लिए सीधा इस घर में पुश कर देता हूँ, तो मुझे लगा कि इस घर में अगर एक बंदा होगा तो मैं उसके साथ मैं फाइट ले लूँगा। लेकिन भाई इधर जैसे ही गुजरा तो भाई इधर 2 बंदा एक घर में, एक ऊपर चढ़ा हुआ था और एक नीचे, तो भाई मैं किसी तरह इधर आ जाता हूँ, और इधर आने के बाद मैं होल्ड करता हूँ, तो एक बंदे ने उसको ऊपर पुश करके इसको मार देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ही होल्ड करता हूँ, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मैं भी उसको ऊपर पुश कर देता हूँ जैसे जोन क्लोजिंग होता है। तो भाई अभी सिंधो को क्या होता है, तो भाई अभी जो है जोन बन चुका है और मैं जो है कंटेनर के अंदर हूँ, और भाई मुझे ये जगह सेफ नहीं लगा, तो मैं क्या किया सीधा इस बंदे के ऊपर पुश कर दिया। और भाई जैसे इस बंदे के साथ पुश किया तो भाई अभी फाइट देखो क्या ही होता है। तो भाई क्या ही, मतलब जैसे ही नेट मारा बंदा एकदम नीचे आ गया था भाई, तो भाई किसी तरह इसको मारा, और भाई आप मेरा फेस देख सकते हो फुल डैमेज हो चुका है। तो भाई इसको किसी तरह मारता हूँ, और मारने के बाद इसके जो है डिब्बा ले लेता हूँ, और अभी ना भाई राइट से एक बंदा आएगा और भाई उसको AW मारूंगा। और भाई अगर देख कर आपको पसंद आया ना तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि भाई AW का शॉट जो है मस्त मारता हूँ उसके ऊपर। तो भाई राइट से अभी एक बंदा आएगा, तो भाई वो बंदे जो है बहुत बंदे को डीपी से पेल देता है, तो भाई मैं धीरे धीरे पिक करता हूँ, और अभी देखो AWM का शॉट।
तो भाई मस्त। और भाई इतनी सी वक्त में इस बंदे ने डीपी से क्या ही डैमेज दे देता। और भाई एड ऑफ रूम का सर अगर देख के पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो भाई अभी देखो जोन बन रहे और मेरे ऊपर जोन नहीं होता, और भाई जोन नहीं होता तो भाई मुझे जोन में जाना होगा। और जैसे जोन में जाता हूँ मेरे ऊपर दो बंदे एक साथ पुश कर देता है, और उधर भाई फोर्थ पार्टी हो जाता है, मतलब थर्ड पार्टी नहीं फोर्थ पार्टी हो जाता है। तो भाई वो सीन देखना कैसे तैसे मैं जोन के अंदर जगह बनाता हूँ। तो भाई अभी जो है मैं AWM छोड़ के ऑग ले लिया, क्योंकि भाई जोन बहुत छोटा हो चुका है और भाई अभी AWM का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं ऑग ले लिया। और भाई जैसे ऑग लिया तो सारे बंदे जोन रोटेशन ले रहे हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ इधर से मेरा डार्सिया उठाता हूँ और डार्सिया उठा के सीधा जोन की तरफ जाता हूँ। और भाई जैसे जोन की तरफ जाता हूँ ना एज में ही देखना दो तीन बंदा स्पॉट होता है, फिलहाल मैं इधर अटक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं गेट इन करके फिर बाहर निकल लेता हूँ। और भाई मैं इधर से डार्सिया लेके जाता हूँ जोन के अंदर, और जैसे ही जोन के अंदर जाता हूँ भाई सीन देखना क्या ही होता है, दो बंदे एक साथ मेरे ऊपर पुश कर देता है, एक बंदे को पीछे से मार देता है और एक बंदे को मैं बहुत लो एचपी में मार देता हूं। तो भाई वो सीन देखो। तो भाई जोन जो है बहुत छोटा हो चुका है, और भाई लॉबी जो है मेरा बहुत हार्ड लॉबी आता है, अभी देख सकते हो बहुत छोटा जोन है। अभी नेक्स्ट जोन ही बहुत सारे बंदे मर गया था, तो इस जोन में अभी फिलहाल 6 बंदे बचे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ इधर मेरा पोजीशन बना के स्मोक वोक कर दे लेता हूँ, लेकिन भाई स्मोक करने का कोई फ़ायदा नहीं, बंदे स्मोक के अंदर ही मार देता है। तो भाई वो आप लोगों को दिखाई देगा, अभी लेफ्ट से एक बंदा आता है, और अभी देखना भाई लेफ्ट से एक बंदा मेरे ऊपर पुश करता है। तो भाई देखो एक नहीं भाई दो बंदे पुश करता है। तो भाई इधर जो है जैसे तैसे इस बंदे को मार देता हूँ। अभी देखो पीछे से एक बंदा मुझे मारता है, और भाई वो बंदा कैसे मारता है देखो, भाई खुद के ऊपर पहले स्मोक कर लेता है फिर बंदे को मारता है, मतलब भाई स्मोक का कोई मतलब ही नहीं बनता। पहले देखो अभी लास्ट बंदा बचा हुआ है, और भाई खुद के ऊपर पहले स्मोक करेगा फिर देखो वो बंदे को मारेगा। तो भाई ये जो स्मोक वाले बंदे स्मोक के अंदर से मारने वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं भाई स्मोक के अंदर से बंदे कैसे स्पॉट कर लेता है। तो भाई क्या कर सकते हैं भाई, फिलहाल वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। बाय बाय गाइस, और चैनल में जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर देना।